नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसीवीएलई ही कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपको भी पोषण ट्रैकिंग ऐप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको इस वीडियो में मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि सीएससी के माध्यम से जो पोषण ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉलेशन का और ट्रेनिंग का काम चल रहा है आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, तो उसमें क्या वीएलईस को करना होता है, क्या प्रोसेस है और वीएलई को कितना पेमेंट मिलता है, किस तरीके से काम कौन कौन से वीएलई कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीएलई सोसाइटी में नए हैं तो आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीएलई सोसाइटी के माध्यम से भी कई सारे सर्विसेज के बारे में लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार द्वारा जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख के लिए पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो भी लाभार्थी हैं आंगनबाड़ी केंद्र के बेसिकली, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वगैरह हैं, उनकी स्थिति के बारे में लाइव ट्रैकिंग के लिए ऐप बनाया गया था, जिसके भीतर लाभार्थियों का ब्यौरा वगैरह दर्ज रहेगा ताकि सरकार को हर जगह से इनके बारे में पता चल सके। इस आर्टिकल के ऊपर मैंने लिख दिया है डिटेल कि कैसे आपको जो है इस ऐप में क्या क्या करना है, किस तरीके से। मैंने लिंक दे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से कि सारी लिंक्स मिल जाएंगी आपको और सारा डिटेल से मिल जाएगा कि क्या कैसे इसमें काम होता है, किस तरीके से ऐप डाउनलोड करना है, कैसे काम होता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ट्विटर पर भी आपने देखा होगा कि सही पोषण देश को करेगा रोशन सीएससी के माध्यम से जो ये पोषण ट्रैकिंग का काम चल रहा है, और कई सारे वीएलईस को इसके भीतर सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है कि इसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने का ई लर्निंग के माध्यम से। तो देखो, यहाँ पे एक वीएलई है, उनको ये मिला हुआ है सर्टिफिकेट। और इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे त्यागी सर ने भी ट्वीट करके डाला है, एवरी सीएससी वीएलई हैव टू कंप्लीट द आंगनबाड़ी ट्रेनिंग ऑन पोषण ट्रैकर विद नेक्स्ट वीक, ठीक है, यानी कि अगले हफ्ते के भीतर या एक हफ्ते के भीतर इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो भी कार्य करते हैं इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसके साथ में ही देखो, हर जगह से लगभग ये देखिए सीएससी गुजरात के ट्विटर हैंडल पे डाला गया है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ट्रेनिंग की जा रही है, उनके पोषण ऐप जो मोबाइल ऐप एक टैबलेट मिला हुआ है उसमें एक ऐप इंस्टॉल करवा के वीएलई यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि कैसे इसको चलाना है। जैसे ये जयेश करिया जी जो हैं वीएलई हैं वहाँ के, और यहाँ पे देखो, एवरी वीएलई टू ट्रेन आंगनबाड़ी वर्कर्स फॉर पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है। तो सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप चलाने की ट्रेनिंग हर जगह पे लगभग, तो ये कहाँ का है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेगूसराय का है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो, पोषण ऐप की जो ट्रेनिंग है आंगनबाड़ी सेविकाओं की, ये दी जा रही है सीएससी झारखंड के माध्यम से। और इसी के साथ में देखो, त्यागी सर ने भी ट्वीट करके डाला है, ये झारखंड की एक और वीएलई हैं, उन्होंने ट्वीट करके डाला है कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग करवा रही हैं, वहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट हैं इसके बारे में। और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में भी ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के जो वीएलई हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में भी, उनके स्टेट में भी ये सर्विस चल रही है और बहुत सारे वीएलई इसके भीतर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है आंगनबाड़ी वर्कर्स की, और इसी तरीके से जो तेलंगाना स्टेट है वहाँ पे भी आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसके भीतर ट्रेनिंग की जा रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वीएलई को क्या फ़ायदा मिलेगा और कहाँ कहाँ के वीएलई कर सकते हैं, किस तरीके से काम मिलता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप है क्या। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, हर देश के प्रत्येक गाँव में लगभग 2 से 3 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, जहाँ पर जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, धात्री महिलाएँ हो गई, बच्चे हो गए या लड़कियाँ हो गई, उनकी गिनती रहती है कि कितने बच्चे हैं, कौन सी महिलाएँ गर्भवती हैं, क्या हैं, उस तरीके से उनकी पोषित हैं, कुपोषित हैं, क्या है, उनको देखभाल की ज़रूरत है, ठीक हैं, इस तरीके की जानकारी दर्ज होती है कितने एक आंगनबाड़ी केंद्र में, यानी कि उनकी कितनी संख्या है उनके गांव में, वो सारा ब्यौरा अभी तक रजिस्टर वगैरह पे मेंटेन करके आंगनबाड़ी सबमिट करती थी, ठीक है। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है, पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से अब ये सारा डाटा वो ऑनलाइन फीड कर पाएंगी। अभी इसको कैसे यूज़ करना है, उसकी ट्रेनिंग सीएससीवीएलई के माध्यम से दी जा रही है। और यहाँ पे ये ट्रेनिंग के लिए सभी को, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको ब्लॉक लेवल पर बुला के उनको बताया जा रहा है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसमें नाम जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे लॉग इन करना है, कैसे इंस्टॉल करना है इस ऐप को, वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिंक भी मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन से लोकेशन में हो रहा है, कौन कौन से स्टेट्स में हो रहा है, ठीक है। तो अभी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, उसके हिसाब से बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, या कह लें कि ख़त्म भी हो गया होगा मेरे वीडियो बनाते बनाते। और बाकी स्टेट में अभी ये चल रहा है नहीं चल रहा है इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के टच में रहिएगा, डीएसके ग्रुप में ज्वाइन रखिएगा, तो आपको बेसिकली अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये जो काम है वो सीएससी एकेडमी सेंटर्स जो भी हैं, जिनको सीएससी एकेडमी वाला काम मिला हुआ है, उन वीएलई से करवाया जा रहा है। बाकी अगर किसी और स्टेट में कुछ और रूल होता है
है तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, वो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही आपको कन्फर्म करेंगे। बाकी ट्रेसिंग ऐप पे जो इंस्टॉल करवा रहे हो आप, आंगनवाड़ी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है BLE द्वारा, उसके लिए 30 से 32 रुपये के बीच में पेमेंट दिया जा रहा है एक आंगनवाड़ी के हिसाब से। तो जितने लोगों को आप ट्रेनिंग कराएंगे उसके हिसाब से आपका पेमेंट डिपेंड करेगा। और पोषण ट्रैकर ऐप को पेमेंट पाने के लिए सबसे पहले BLE को एक आंगनवाड़ी को जो ऐप इंस्टॉल करवाएंगे उसमें एक आई बटन पर क्लिक करेंगे तो एक फीडबैक फॉर्म खुलेगा जिसके भीतर नाम, मोबाइल नंबर और CC ID डाल के सबमिट करेंगे, स्टार रेटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से ऐप का हो जाएगा सर्वे और फिर पेमेंट उनको उस हिसाब से मिलेगा जितने का सर्वे उन्होंने किया होगा। ठीक है, अब पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे जो भी आंगनवाड़ी की जब भी ट्रेनिंग आप कराओगे अपने ज़िले में, जो भी आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र वगैरह होती हैं उनके माध्यम से उनका आपको यूज़र नेम, जो मोबाइल नंबर होता है, पिन, वो पिन आपको MPIN जो होता है उनका वो मिल जाएगा आंगनवाड़ी को, या मिल चुका होगा तो वो डाल के उसका लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे देखो फॉरगेट का जो ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करके वो मोबाइल नंबर डाल के इसको फॉरगेट कर लेंगी और अपना जो भी मोबाइल ऐप है उसको लॉगिन करके, अब इसमें कई तरह के बच्चे होते हैं उसमें कैसे बच्चों को जोड़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिस्ट उनके होम स्क्रीन पर बनी रहेगी कि प्रेग्नेंट वुमेंस कौन सी हैं, लैक्टिंग मदर्स की, तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी। उस लिस्ट में अगर उसका जिसका भी नाम वो जोड़ना चाह रही नहीं है तो यहाँ पे ऐड बेनिफिशियर करके उसकी डिटेल भर देंगे और उसे ऐड कर देंगे तो वो सक्सेसफुली इसमें ऐड हो जाएगा। ये इतना प्रोसेस है, ये इतना चीज़ उनको समझानी है कि कैसे ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस ऐप में कैसे काम करना है और किन किन BLEs को ये काम मिल रहा है और आपके यहाँ पे कब तक स्टार्ट होगा। और बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आगे कोई अपडेट आता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँ। लेकिन दोस्तों तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।